हाय एवरीवन, आई एम भूपेश। मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे यूके आने के बाद पूछा कि हमें भी यूके आना है, और हम पिछले कुछ दिनों से हर एक जॉब साइट पे मैं जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, बट मुझे अब तक किसी का कॉल नहीं आया। मैंने ऐसा भी लोगों को कहते सुना है कि मेरे पास 15 साल का इस काम का एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी जॉब डिस्क्रिप्शन मैंशन है उस जॉब में वो सब कुछ मैं करता हूँ। मैंने उस साइट पर अप्लाई किया, कंपनी स्पॉन्सरशिप देती है, बट मुझे आज तक कोई जॉब का ऑफर नहीं आया, या रिक्रूटर्स कभी मुझे कॉल बैक नहीं करते। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? सो आई हैव बीन इन योर कंडीशन। मैं भी यही करता था, जहाँ भी जॉब देखी मैंने यूके में, मैंने हमेशा अप्लाई किया, बट वी नेवर यूज टू गेट अ रिस्पॉन्स। देन आई रियलाइज द मिस्टेक व्हाट वी नॉर्मली डू। सो हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम सारे जिन भी रोल्स के लिए अप्लाई करते हैं, हम एक CV बना के रखते हैं, वही CV हम हर एक जॉब रोल के लिए यूज़ करते हैं, जबकि ये तरीका सही नहीं है। आपको हर एक जॉब रोल के लिए, हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए अपनी CV को वैसे टेलर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एक जॉब डिस्क्रिप्शन मैं अपनी टीम में रिक्रूटमेंट के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे कीवर्ड्स डालूंगा या सर्च के ऑप्शंस डालूंगा। बट यही जॉब कोई और बंदा अपनी टीम के लिए रिक्रूट करेगा, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कीवर्ड्स और सर्च के लिए टर्म्स डालेगा। रोल के प्रोफाइल दोनों की काफ़ी हद तक सेम हो सकती है, लेकिन जो स्पेसिफिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं जिनके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो जिस CV से मेरी जॉब के लिए अप्लाई किया है, अगर उसी CV से आप दूसरे की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो शायद आपको वहाँ से ऑफर नहीं आएगा। दूसरा, UK की जो कंपनीज है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज, वो एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम करके एक सॉफ्टवेयर होता है, वो यूज़ करती हैं, जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के रिक्वायरमेंट को देख के मैच करता है आपकी CV को, और अगर आपके पास 80% से ऊपर का स्कोर नहीं है तो वो आपको कॉल बैक नहीं करता। सो जो हम बात करते हैं कि अपनी CV को उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन करना चाहिए, ये पॉइंट हमेशा वहाँ से आता है कि आपकी CV हर एक रोल के लिए डिफरेंट होनी चाहिए, हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होनी चाहिए। आप एक ही CV से हर एक रोल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो आइए हम देखते हैं कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। सो जिस वेबसाइट को मैंने यूज़ किया था, उसका नाम था जॉब स्कैन। तो आप इसे गूगल सर्च करके देख सकते हैं, लिंक मैं इसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। और ये आप वहाँ पर फ्री अकाउंट बना सकते हैं, एक फ्री अकाउंट बना के आप 5 स्कैन करके देख सकते हैं आपको, और ये आपको हेल्प करेगा कि ये मैच करने में कि वेदर आपकी जो CV है, आपका जो रिज्यूमे है, वो आप जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके बेसिस पे वो कहाँ स्टैंड करता है, वेदर आपका आपका CV उस रोल में फिट हो रहा है कि नहीं। आपके रिज्यूमे बिल्डर्स के बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, फ्री रिज्यूमे बिल्डर इनका ऑप्टिमाइजेशन टूल है, आप पावर एडिट कर सकते हो, राइटिंग गाइड दे रखी है, फॉर्मेट्स और टेम्पलेट्स भी दे रखे हैं, सेम आपको कवर लेटर के उन्होंने दे के रखे हुए हैं, आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल का वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये बात करते हैं एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। और वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है क्या। सो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स सॉफ्टवेयर, जो कि एक डेटाबेस के जैसा काम करता है। आपके जिसमें सारे के सारे आपके जो कंपनीज हैं, चाहे वो किसी भी साइज के हों, नॉर्मली सब लोग इसको यूज़ करते हैं। अगर आप डेटा के हिसाब से हम जाएं तो क्लोज टू 99% ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं जो ATS को रिक्रूटिंग स्ट्रेटजी के फॉर्म में यूज़ करती हैं। और फॉर्च्यून 500 की जो 99% कंपनी है, ये वही कंपनीज हैं जो UK में नॉर्मली वर्क वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं। एडवांटेज क्या होता है इसका, नॉर्मली ये सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम है ऑलरेडी बिल्ट है, उसमें कीवर्ड्स आपने डाल के रखे हुए हैं, तो जितनी भी CV आपके पास आएंगे उसके थ्रू रन करेगा वो, और आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ CV वहाँ से निकाल के दे देगा। सो आपकी जो सर्च होती है वो ईजियर हो जाती है, ऑटोमेटेड हो जाती है, और इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इवन इट सेव्स द ह्यूमन एरर पार्ट। तो अगर हम देखेंगे काम कैसे करता है नॉर्मली, राइट, सो हाउ एग्जैक्टली द एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम वर्क। सो वो क्या करता है नॉर्मली, वहाँ पे एक नॉकआउट क्वेश्चंस डालते हैं, जैसे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द शॉर्ट आंसर, क्या कीवर्ड्स हैं जो उसको देखना है। तो वो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उन्हीं कीवर्ड के ऊपर जितने भी आप CVs आए हैं उनको शॉर्टलिस्ट करता है वहाँ पे, और आपको राइट इन्फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक PHP डेवलपर की प्रोफाइल है मिनेसोटा में, यहाँ पे इतने रिज्यूमेज आए हैं, बेस्ड अपॉन रिज्यूमे के बेसिस पे आपने यहाँ पे रैंकिंग करके रखी है, राइट, और ये बताता है कि आपका रिसेंट स्टेटस क्या है। तो ये आपको एक पता क्वेश्चन आता है कि ये यूज़ कहाँ हो रहा है, राइट, 99% फॉर्च्यून 500 कंपनी इसको यूज़ करती है। इनके थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं, टैलियो है, वर्कडे है, कहीं पे सक्सेस फैक्टर्स के फॉर्म में आता है, ग्रीन हाउस,
ब्रास रिंग है, ICMS है, जॉब वीटे है। तो अब जो भी ऐसे देखेंगे प्रोफाइल जहां पे जो बिग कंपनीज फॉलो करते हैं, दे ऑल आर यूजिंग दिस टूल। और इवन रैंकिंग कर सकते हो, ऑटोमेटिकली कंपेयर करता है सारी सीवीज को और रैंकिंग देके देखता है। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम देखें तो ये तीन रिज्यूमे आए हैं जिसको 90-85% के ऊपर डिवाइड करके रखा हुआ है। आपको ये कीवर्ड सर्च के लिए में भी हेल्प करता है ये, कि अगर आप एक पर्टिकुलर देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखना चाहते हो किसी कोई बंदा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के फॉर्म में है जिसने डेटा एंट्री भी किया और पेरोल भी किया है, तो आप ये एंड करके तीनों ऑप्शन डाल के वहां पे देख सकते हो, राइट। चीज आए हैं उनको शॉर्टलिस्ट करता है वहां पे और आपको राइट इन्फॉर्मेशन निकाल के देता है। डिफरेंट ETS आते हैं, बट सारे ETS का एक जनरल फीचर होता है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिज्यूमे पार्सिंग। वो आपके एक्सट्रैक्ट करके आपके रिज्यूमे को डिफरेंट फॉर्मेट में निकाल के डिफरेंट एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में सेट करता है जो कि उस रोल की रिक्वायरमेंट है। रिज्यूमे को स्टोरेज कर सकता है, कीवर्ड सर्च करता है, यू कैन यूज डिफरेंट फिल्टर्स। आप ये देख सकते हो कि आपने कंपनी में अप्लाई कब किया था, इसके पहले आपका CV कब आया था, आप हर एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे निकाल सकते हैं। और ये आपको एक ऑटोमेटेड ईमेल भेजने का भी काम करता है कि आपकी CV रिसीव हो गई है और आपका रिस्पॉन्स को रीच आउट करेंगे अगर आप। तो अभी हमें पता चल गया कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज एन ETS सॉफ्टवेयर है। अभी क्वेश्चन आता है कि हम ऐसा क्या करें हमारी CV यहाँ ETS में सेलेक्ट हो जाए, जिसको नॉर्मली ये बोलते हैं कि हाउ टू बीट द ETS। ओके, रिज्यूमे की जो फॉर्मेटिंग होती है वो भी काफी ज्यादा मैटर करती है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के ऊपर। तो बहुत सारी बार हमें यही नहीं पता होता जब हम इंडिया से अप्लाई करते हैं कि हमें अपनी CV का फॉर्मेट क्या रखना चाहिए, वेदर हमारी CV ETS के थ्रू पास भी हो रही है कि नहीं हो रही, राइट। पहले बताया था आपको अपनी CV है जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनानी होगी, आपको ETS के सर्च और रैंकिंग एल्गोरिदम के हिसाब से अपनी CV को मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको कीवर्ड्स वैसे डालने पड़ेंगे जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में है। और आपको जब भी आप ये CV बनाते हो आपको लॉन्ग फॉर्म और एक्रोनिम वर्जन ऑफ कीवर्ड, फॉर एग्जांपल MBA, राइट, तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और MBA दोनों लिखना होगा। हम लिखते हैं MPharm, तो मास्टर ऑफ फार्मेसी करके तब हमें बगल में MPharm करके डालना पड़ेगा। और ये प्रिफर करते हैं आपका जो अगर रिज्यूमे हो वो अगर क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे के फॉर्म में हो या हाइब्रिड रिज्यूमे के फॉर्म में हो तो ज्यादा बेटर होता है, फंक्शनल रिज्यूमे को इतना प्रिफर नहीं करते। इंडिया में हम तब की आदत होती है कि हम बहुत सारे वो बनाते हैं, आपके CV में बहुत सारे हमारे टेबल्स पड़े होते हैं ये दिखाने के लिए हमने क्या क्या काम किया, कहाँ कहाँ क्या काम किया हुआ है, हमारी एजुकेशन कैसी हुई है। बट ETS सिस्टम में अगर आप टेबल्स या कॉलम्स बनाते हो तो मेजर पार्सिंग इशू कॉज करता है और आपकी CV वहां से आगे नहीं जाती। आपकी जो CV के जो फॉन्ट्स होते हैं वो इधर गर्मोन जॉर्जिया के फॉर्म में होना चाहिए। हम कई बार हम बहुत फैंसी यूज करते हैं जो कि अच्छा दिखेगा मे बी ऑन द प्रिंट बट इट माइट नॉट गो थ्रू द ETS। नॉर्मली हमारी आदत होती है कि हम अच्छा सा हेडर फुटर सारी इन्फॉर्मेशन डाल के रखते हैं, बट नॉर्मली वो नहीं डालना चाहिए क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है पार्सिंग एरर कॉज करके इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं वो मिस हो जाती है। सो आपको अपने रिज्यूमे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रखना है वहाँ पे और स्टैंडर्ड हेडलाइंस यूज करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस इसे आप लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेनेवर यू आर सेविंग दिस फाइल्स ऑलवेज सेव इन द फॉर्म ऑफ डॉक एक्स के फॉर्म में, वो ईजी होता है उसको स्कैन करना। और ये तो हमने बोल दिया कि अपनी अब CV को आप ऑप्टिमाइज करो ये करो, बट कई बार हम क्या करते हैं हम ओवर ऑप्टिमाइज कर देते हैं अपनी CV को, हम सारे कीवर्ड्स वही डालते हैं जो कि वहाँ पे मेंशन होते हैं। तो इवन ये इन्फॉर्मेशन भी आपको ETS सिस्टम से पता चल जाती है कि आपने ओवर स्टफिंग करके रखा हुआ है कीवर्ड्स के बारे में, टेल यू एनीथिंग बट दे माइट इवन ब्लॉक यू फॉर द फ्यूचर एप्लीकेशन, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस सिस्टम। और हाँ, ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है, इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अपकमिंग थिंग, इसमें बहुत सारे एडवांसेस भी अभी आ रहे हैं एंड दिस इज गोइंग टू स्टे, एक रिक्रूटर के लाइफ को काफी इजी बनाता है। सो ये यहाँ पे रहने वाला है। सो अभी हमें क्या करना है, हमें अपनी CV को इस तरीके से मॉडिफाई करनी है या हमें अपनी CV को इस तरीके से बनाना है कि हमारी CV आराम से इस सिस्टम को क्रॉस करके रिक्रूटर के पास चली जाए। सो आइए हम ये देखते हैं कि जॉब स्कैन हमें हेल्प कैसे कर सकता है ऐसी एप्लीकेशंस के लिए। सो जॉब स्कैन में नॉर्मली आपको जब अगर आप डैशबोर्ड के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभी हम एक एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं कि जॉब स्कैन हमें कैसे हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक रीसेंट सर्च किया, मुझे एक पोजीशन दिखी यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर फार्माकोकाइनेटिक्स, मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि वेदर मैं इसके लिए अप्लाई करूँ या नहीं करूँ, मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो बेस्ट तरीका ये है, जॉब स्कैन हमें मुझे कैसे हेल्प करेगा, यहाँ पे मैंने ऑप्शन का पार्ट खोला, यहाँ पे ये मैंने इनकी ये रिक्वायरमेंट देख ली इनका और मैंने क्या किया यहाँ पे इनका GD का पार्ट कॉपी कर लिया, राइट। और स्कैन के पोर्टल पे मैंने अपनी CV यहाँ पेस्ट की हुई है, मैंने यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेक्शन डाल दिया, राइट, जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन, और ये मेरी CV है जो कि मैंने अपनी CV अपलोड की थी। और मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं यहाँ पे अपलोड CV के फॉर्म में भी जाके मैंने अपना रिज्यूमे यहाँ पे
अपलोड कर दिया। नाउ अभी ये अपलोड होने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया जॉब डिस्क्रिप्शन और ये मैंने कर दिया। सो ऑल द इन्फॉर्मेशन इज कैप्चर्ड हुआ यार। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे स्कैन के लिए। तो ये स्कैन मुझे ये बताएगा कि मेरा जो अभी करंट सीवी है ये इस रोल के हिसाब से कितना फिट है। सो अभी रिजल्ट हमारे सामने ओपन हो रहे हैं। सो इसके हिसाब से जो मेरी सीवी है वो यहाँ पे 75% मैच हो रही है एज कम्पेयर टू जो जॉब डिस्क्रिप्शन है। अभी ये क्या करता है आपको, ये आपकी सारी चीज़ों को कुछ सेक्शंस में ब्रेक करता है। सर्चेबिलिटी स्किल मैच के हिसाब से आपको ब्रेक करेगा और बाकी ऑप्शन भी यहाँ पे आते हैं। तो चलिए हम ये देखते हैं कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। अभी रिज्यूमे जब मैंने इस साइट पे डाला तो मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम और उनका वेब एड्रेस नहीं डाला। तो वो मुझे ये सजेस्ट करता है कि अगर मैं वो डालूँ तो अच्छा होगा। अभी यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में वो कई बार उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कंसल्टेंट, बट मेरा जो जॉब रोल है कहीं पे भी उसमें कंसल्टेंट वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ है। तो वो ये बोलते हैं कि मैं अपने आप इसको ऐसे मॉडिफाई करूँ अपनी समरी को या किसी भी पार्ट को जहाँ पे ये वर्ड आ जाए। यहाँ पे मेरा एजुकेशन मैच हो रहा है, यहाँ पे मेरी सेक्शन हेडिंग एब्सोल्युटली फाइन है, बट मेरी डेट फॉर्मेटिंग यहाँ पे गलत है क्योंकि मैंने अलग अलग फॉर्मेट ऑफ डेट लिया हुआ है। तो ये आगे नहीं जाएगा यहाँ पे। और वो आपको ये भी यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये भी बता देगा कि आप इसको कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हो, राइट। तो ये इशू हुआ। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने जैसे डिलीट कर दिया था वहाँ से, तो मैंने अपनी ईमेल नहीं प्रोवाइड की, मैंने अपना फ़ोन नंबर नहीं प्रोवाइड किया है, मैंने अपना एड्रेस नहीं दिया हुआ है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। फाइल टाइप के फॉर्म में इन्होंने क्या बोला कि मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं फाइल में, जैसे मैंने डबल कोलन डाल के रखा हुआ है या डबल कॉमास डाल के रखे हुए हैं। तो वो ये बोलते हैं कि ऐसे जो भी फॉर्मेट्स आपको हों आप सारे अपने स्पेसेस हों और कैरेक्टर्स उनको वहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो ये मुझे यहाँ पे बेसिकली सर्चेबिलिटी में 5 ऐसे इश्यूज मिले जो मुझे फिक्स करने होंगे। अभी अगला हम जाते हैं हार्ड स्किल्स के फॉर्म में। ये मैंने एक फार्माकोलॉजी के लिए डाला था। सो अगर देखें तो यहाँ पे फार्माकोलॉजी में नॉर्मली मेरी रिज्यूमे में ये वर्ड 6 times मेंशन है जबकि जॉब डिस्क्रिप्शन में 4 मेंशन है। स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है अपने रिज्यूमे में, मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया था, जबकि यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में ये 1 मेंशन, राइट। प्रोवाइड डायरेक्शन मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया था कि मैं अपनी टीम को कैसे डायरेक्शन प्रोवाइड करूंगा या क्या करूंगा, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन 1 मेंशन है। वैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ कोई सॉफ्ट स्किल्स का अभी मैंने सेक्शन डाला नहीं था वहाँ पे, जो उनके रिक्वायरमेंट में नहीं था, तो यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन नहीं है। बट अगर मैं वो चीज़ें वहाँ पे डालूँ तो वो चीज़ें मेंशन होंगी। अगर हम स्किल कंपैरिजन करते हैं तो क्लिनिकल में मैंने रिज्यूमे में 15 लिखा है या 3 है, PKPD मैंने 3 लिखा है जो कि वहाँ पे भी 3 है। और सेम ये आता है आपका रिक्रूटर ट्रिप के लिए। नॉर्मली मेरा सीवी है काफ़ी बड़ा था, 7 या 8 पेजेस का था। ये है आपके 2409 वर्ड्स हैं जो कि मिड लेवल या उसके लिए ज़्यादा है और मुझे वो कम करना पड़ेगा। मैंने अपने रिज्यूमे में मिजरेबल रिजल्ट डाले थे कि जो भी मैंने काम किया है हाउ इट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज रोल, प्रोफाइल कैसी थी मेरी, मैंने कौन से मेरे अचीवमेंट थे, वो सारी चीज़ें मेंशन की थी जिसको उन्होंने वहाँ पे अप्रिशिएट किया था। यहाँ पे कौन से ऐसे वर्ड्स जो नॉर्मली अवॉइड करने चाहिए, वो ये बोलते हैं कि आपका जो टोन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्लिशियस नहीं होने चाहिए आपके, तो वो मेरे में नहीं है। और आपका रेफरेंस अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट वॉज नॉट फाउंड एवर रिज्यूमे, सो मुझे ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डालेगी। आगे देखें हम तो हमारा पेज साइज में, यस आई वॉज अवेयर कि मैंने बहुत लंबा डाला हुआ है तो वो मैं यहाँ पे मुझे नहीं डालना है, जो कि मुझे फिक्स करना होगा मेरे फॉन्ट से यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 पैरामीटर्स में सर्चेबिलिटी स्किल मैच रिक्रूटर टिप्स फॉर्मेटिंग और कवर लेटर्स के फॉर्म में यहाँ पे करेगा। मैंने कवर लेटर डाला नहीं था तो उन्होंने इसको एडिट नहीं किया हुआ है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने सेम रोल में मैं गया, मैंने यहाँ पे इसका ये रोल कॉपी किया और मैं इसको जाता हूँ दोबारा अपलोड एंड रीस्कैन के सेक्शन में। करियर समरी में मैंने ये सारी चीज़ें हटाई और मैंने सिंपली उसको पेस्ट कर दिया, राइट। अभी मैं पेस्ट करके रीस्कैन करके देखता हूँ कि हाउ आर द रिजल्ट्स नाउ, कैन सी ओवर हियर। सिर्फ मैंने उन वर्डिंग से एग्जैक्टली मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे और ये मैंने अपनी जो बाकी प्रोफाइल्स थे बाकी रूल्स थे वहाँ चेंज नहीं किया, ये चेंजेस मैंने सिर्फ किया जो समरी का सेक्शन है वहाँ पे। और जो मेरा मैच पहले 76-77% पे था वो बढ़ के सीधे के सीधे 96% हो गया। अभी भी देयर आर फ्यू थिंग्स विच आई नीड टू वर्क ऑन, जैसे मुझे अभी भी यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग का इशू है, वर्ड काउंट का जो इशू है, वो सब चीज़ें मुझे सॉर्ट करनी पड़ेंगी। बट जो इश्यूज मेरे पहले काफ़ी ज़्यादा थे वो अभी रिड्यूस होके काफ़ी कम हो चुके हैं। सो सिर्फ 5 फ्री स्कैन आप इनके ऊपर कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द साइट विच वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी व्हेन आई वॉज अप्लाइंग फॉर द जॉब्स इन UK। इट गिव्स यू एन आइडिया कि आपने सीवी को मॉडिफिकेशंस कैसे करने हैं, आपको क्या सर्च वर्ड्स डालने हैं, कैसे कीवर्ड्स डालने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, अगर आप इनकी जो मेन साइट पे आप जाके देखोगे
तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कवर लेटर्स रिज्यूमे फॉर्मेट्स के बारे में उन्होंने बताया है कि कौन से रिज्यूमे फॉर्मेट है, विच वन इज द बेस्ट फॉर यू, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगी। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे रोल्स के लिए फ्री रिज्यूमे के फॉर्मेट भी दे के रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू डाउनलोड हाइब्रिड रिज्यूमे फॉर्मेट टेम्पलेट, तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आपका एग्जीक्यूटिव के लिए, मैनेजमेंट के लिए, मिड लेवल के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ट्राई यूजिंग दिस वेबसाइट, नॉर्मली जो जॉब स्कैन है इस पे आपको 5 स्कैन फ्री मिलते हैं इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब इन यूके। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप ETS कंपैटिबल CV बनाओ इस वेबसाइट को, या और भी ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो स्कैन करने के लिए CV, जस्ट टू सी कि आपका रोल कितना मैच करता है, आपकी जो प्रोफाइल, आपकी जो CV है वो करंट रोल से कितना मैच करती है। अगर आप ये करोगे तो आपके जो चांसेस ऑफ सक्सेस हैं यूके में जॉब मिलने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। और अगर आपको जॉब सर्च करनी है तो उसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, Glassdoor पे आप देख सकते हो जॉब्स, आप indeed.co.uk पे देख सकते हो, आप रीड पे देख सकते हो, एंड LinkedIn इज द बेस्ट ऑप्शन। That's all for today. Hope you like the video. If you like the video, don't forget to give us a thumbs up. Have a nice day.